मेरा नाम अजीत है, यहाँ चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो प्लांट है, वॉशिंग प्लांट है, जिसमें हम सेंड बनती है, दादरी इलाके में ये बहुत प्लांट है ऐसे, और ये माल ज़्यादातर हमारा दिल्ली सप्लाई होता है। संसद भवन में बहुत माल गया है और हमारे इस माल की तो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सराहना की है और माल जाता रहता है, ये माल बचता ही नहीं हमारे पास। तो क्या क्वालिटी है इसकी? क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है इसकी भाई साहब, इसमें कोई मिट्टी वगैरह या कुछ भी इसमें साल्ट नहीं मिलेगा आपको। कैसे तैयार किया जाता है ये वॉशिंग प्लांट में केमिकल डलता है बाकायदा, इसमें जो मिट्टी आती है उसको बाहर निकाल देती है जमा के, इसमें मिट्टी नाम की आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लैब में चेक करके हम आगे इसको बेचते हैं। मैं प्लांट इंजीनियर मिस्टर वजीर अली खान, जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं वॉशिंग प्लांट है। हमारी कंपनी जो क्रेशर प्लांट से डस्ट आती है उसको इसमें वॉश करती है। इससे हम प्लास्टर सेंड और रोबो सेंड दोनों निकालते हैं, जिसमें 0% सील्ड और नो मॉइस्चर। हमारे प्लांट से बहुत सा मटेरियल दिल्ली हाईकोर्ट बाकी कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत गया है और बेस्ट क्वालिटी का ही कंस्ट्रक्शन करता है। इसकी खास बात क्या है कि ये जंगरोधक है, ये लोहे की लाइफ और प्लांट की जो मटेरियल की डस्ट जो यूज होती है वॉश करके, में जो सेंड बनाते हैं प्लास्टर सेंड और एम सेंड, उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। हमारे दादरी इलाके से जो भी संसद भवन में हमारा जो मटेरियल गया है वॉशिंग प्लांट से जो सेंड गई है, उससे हमारे दादरी इलाके की बहुत सी सराहना की गई है। हमारे मटेरियल को संसद भवन में बहुत सराहा गया है और इसका मतलब कंस्ट्रक्शन लाइफ का टाइम बहुत लंबा चलता है। ये लोहे को तो बिल्कुल जंग लगने ही नहीं देता। जी मेरा नाम रिंकू है, मैं वॉशिंग प्लांट चलाता हूँ, सीडी का प्लांट है ये, अपना कोर्स ऑफ फाइंस दोनों निकालता है, जैसे अपना अलग अलग चाहिए वैसा माल निकालते हैं। फाइंस अपना प्लास्टर या एमसेंट जो है अपने प्लास्टर में और जैसे मकानों में वैसे यूज किया जाता है, बाकी दोनों में करके और अपना रोडों में लिया जाता है काम। ये हमारा मशीन जी 24 घंटे में 20 घंटे कम से कम चलता है, रेगुलर चलता रहता है। बाकी अपना शुरुआत वहाँ जैसे अपना डस्ट, सूखा डस्ट वहाँ से फीड देते हैं अपने फीड कन्वेयर से, वॉश करते हैं केमिकल द्वारा और वाटर द्वारा, उसके बाद अपना तैयार होता है माल। सर इसमें कोई ना तो अपना सिल्ट है ना ही इतना मॉइस्चर है, बाकी क्लियर क्वालिटी का है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक नंबर वन क्वालिटी का अपना माल निकालता है ये अपना प्लांट जो है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, सबसे अच्छा माल है। दिल्ली जा चुका है, ये यहीं से सप्लाई हुआ है सर, संसद भवन में। हाँ सर ये ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटो जैसे आप चलाना चाहो वैसे चलता है, ऑटो पे भी चलता है, मैनुअली भी चलता है, जैसा आप चलाना चाहो वैसे। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत की संसद में हमारे चरखी दादरी से जो मटेरियल गया है और जो हमने एम सैंड जो विशेष रूप से तैयार करके, और इसमें जो स्ट्रेंथ जो हमारी है, पत्थर की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रेंथ है इसमें कि हर जगह स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये एम सैंड है हमारे यहाँ 8-10 प्लांट हैं जो तैयार करते हैं, और इसमें जितनी भी एम सैंड जो लगी है वो विशेष रूप से तैयार की गई थी, और हमें बड़ी खुशी की बात है और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की संसद में कि हमारा मटेरियल लगा है और प्रधानमंत्री जी ने खुद इसकी तारीफ की है। कैसे क्या तैयार होता है ये? एक पत्थर जो हमारा जो पत्थर है उसको हम पीस के और वॉशिंग प्लांट में उसको उसका ग्रेडेशन बना के वॉशिंग प्लांट में उसको धो के सिल्ट को निकाल के बाहर जब ये तैयार होती है, अगर सिल्ट की मात्रा अगर किसी उसमें रह जाती तो किसी भी बिल्डिंग के लिए हानिकारक है। ये अनलिमिटेड है, इसलिए जो सैंड आप लगाते हैं तो इस सैंड में लोहे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। अगर वैसे अगर सैंड आप लगाएंगे कोई भी बगैर धुली हुई या उसके सैंड आप लगाते हैं तो उसमें सिल्ट की जो मात्रा है वो लोहे को के लिए कैंसर का काम करती है, और इसको साफ करते हैं तो इसकी कोई लाइफ नहीं रहती, अनलिमिटेड लाइफ टाइम इसका। इस सैंड के लिए हमने यहाँ पर लैब लगा रखी है,
लैब में बाद पहले टेस्ट होता है, उसके बाद में ये मटेरियल गया है और हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नए संसद भवन में चरखी दादरी का जो हमारा मटेरियल गया है उसमें हमारा योगदान रहा है, ये सदा के लिए याद रखेगा।